हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़, पढ़ाई में मन लगाने के तरीके। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स बताऊँगी, कुछ स्ट्रेटजी बताऊँगी जिसे आप देखें और समझें। पहला पॉइंट, चूज़ द एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी। पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुने। अब पढ़ाई करने के लिए सही जगह चूज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, कुर्सी और टेबल में बैठ के पढ़ाई करने से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है बजाय बेड में बैठ के पढ़ने से, क्योंकि बेड जो है हमें वो कहता है कि आओ रेस्ट कर लो। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि पहले तो सही जगह होनी चाहिए और कुर्सी और टेबल होना चाहिए। अब मेक योर स्टडी रूटीन वर्क, पढ़ाई को अपने नियमित कार्य बनाएं। अब इसका मतलब क्या कि पढ़ाई हर दिन करनी चाहिए, जैसे हमारा डेली का कुछ रूटीन होता है वैसी पढ़ाई भी हमारे रूटीन में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपना डे बाय डे अपना जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो भी कंप्लीट करते जाएंगे और हमको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे स्टडी को एक रूटीन वर्क बनाना है। अब कीप ऑल डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस अवे, सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ें को दूर करें। अब ये भी सही है कि हम जब पढ़ाई करेंगे और हमारे अगर हम गाना सुन रहे हैं, हम व्हाट्सअप में बिज़ी हैं, हम मैसेज में बिज़ी हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है तो हम ठीक से पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा अपने जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उसे पढ़ाई करते टाइम में हटा देनी चाहिए। ठीक है, अब रीड प्रॉपरली, इसका भी मतलब पिछले वाले से ही कनेक्ट होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉपर पढ़ना है। पता चला हम बुक तो खोल के बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, ध्यान मोबाइल में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच से पढ़ना है। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होती है और हम चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाते और दिमाग में रख पाते हैं। अब बी डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या कि हमें टाइम टेबल एक फॉलो करना चाहिए हमेशा। कोई भी एग्ज़ाम हो बिना टाइम टेबल फॉलो किए नहीं निकलता। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। नो वेन टू हैव अ रेस्ट, जाने कि कब आपको आराम करना है। अब जब हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़े ही जा रहे। जब हमें हमारी बॉडी हमें कहती है और हमें रेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे तो वो फिर से फुल कंसंट्रेशन फुल एनर्जी से नहीं पढ़ने आप बैठ पाएंगे। इसीलिए दिमाग को रेस्ट करना ज़रूरी है। अब मॉनिटर योर प्रोग्रेस का मतलब क्या, मॉक टेस्ट देना है। जब मॉक टेस्ट देंगे तब अपनी गलतियाँ को समझेंगे, सीखेंगे गलतियों से और सुधारेंगे, तो मेन एग्ज़ाम में वो गलती नहीं होगी। अब अंडरस्टैंड योर बॉडी, इसका मतलब क्या, देखो कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, कुछ नाइट आउल्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या कि कुछ लोगों को सुबह पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को नाइट में पढ़ना पसंद है, तो अपने अकॉर्डिंग अपने मन मुताबिक आपको कैसा पसंद है वो आपको करना है। अब गेट इनफ एंड गुड स्लीप, अच्छी नींद सोएं। इसका मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का टाइम है या समय कम है तो सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, तो ऐसे में आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको इनफ रेस्ट की ज़रूरत है। अब ईट हेल्दी फूड, इसका मतलब क्या, अच्छा खाना खाएं। आपको पता है जंक खाना जब हम खाते हैं मसालेदार, तो इससे भी हमारी कंसंट्रेशन बिगड़ता है, ये किसी टॉपर्स ने भी कहा है। ठीक है, आप वन थिंग एट अ टाइम, डू वन थिंग एट अ टाइम, एक समय में एक ही काम करें। एक समय में एक ही काम करने से हम काम को सही तरीके से कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग नहीं होना है, मल्टीटास्किंग तो कंप्यूटर्स होते हैं,
इंसान का ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कम होता है जो मल्टीटास्क कर पाए, क्योंकि अगर हम पढ़ाई भी करेंगे, हम व्हाट्सएप में बात भी करेंगे, तो हम दोनों में से कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी हम कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो और वो हमेशा हो, एक रूटीन हो। सपोज़ करिए आपके पास एग्ज़ाम के लिए 30 डेज़ बचे हैं, तो आपको एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना, इतने देर से मैं इतने देर पढ़ूंगा और सिर्फ पढ़ूंगा, सिर्फ एक ही काम करूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट काम करूंगा, ठीक है। तो ये था मैंने जो आप लोगों को कुछ बताए कैसे पढ़ाई में मन लगाएं, ठीक है। पढ़ाई में हम इसी तरीके से मन लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो रूटीन और टाइम टेबल, जब इसे फॉलो करेंगे तो अपने आप हमारा ध्यान पढ़ाई में रहेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को शायद समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।